अगर सोने चांदी की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से सोने चांदी में हमने एक तरफा मूवमेंट देखा है, रिकवरी भी आती हुई देखी। पिछले एक महीने की अगर बात करें तो करीबन 1.5% की तेज़ी हमने चांदी के भाव में आती हुई देखी है। बट जनरली देखा जाए तो ये जो तेज़ी आई है ये चांदी और सोने की तरफ से नहीं है, ये रुपए में जो गिरावट आई हुई है पिछले अगर 1-1.5 महीने की बात करें या पूरे 2018 की बात करें तो रुपए में करीबन हमने 13-13.5% की गिरावट देखी है। इसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट पे सोने चांदी में एक जंप दिखाई दिया है। जबकि इंटरनेशनल की अगर बात करें तो कॉमेक्स में सिल्वर अभी भी $14 का काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और 1450 का रेजिस्टेंट है। ये 30-40 सेंट के बीच में ही काफ़ी टाइम से चांदी ट्रेड कर रही है। मुख्य कारण रहा है पिछले 6-8 महीने में जो गिरावट रही है वो है स्ट्रांग डॉलर। डॉलर इंडेक्स में हमने फरवरी मंथ में देखा था कि 88 का लेवल छूने के बाद ऑलमोस्ट हमने 97 का लेवल डॉलर इंडेक्स में आते हुए देखा। इंटरनेशनल में अभी भी उम्मीद जताई जा रही थी पहले कि इंटरेस्ट रेट US में कंटिन्यू बढ़ती रहेगी, इसकी वजह से डॉलर में स्ट्रेंथ था। ट्रेड वॉर की वजह से पहली बार ऐसा हुआ है कि जनरली ट्रेड वॉर होता है तो सोने में बाइंग बढ़ती है, बट पिछले 6-8 महीने में जब जब ट्रेड वॉर की सिचुएशन बढ़ी है तब तक हमने देखा कि डॉलर में तेजी आई है। साथ में स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग डेटा US साइड से हमने देखा कि जो ISM मैन्युफैक्चरिंग डेटा है वो काफ़ी अच्छे ढंग से रिकवर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इकोनॉमी इंप्रूव करी, इसकी वजह से भी हमने देखा डॉलर में तेजी का रुख बना रहा है। लेबर मार्केट में भी हमने देखा पिछले सालों तक कुछ कंसर्न्स बना हुआ था US में, बट लेबर मार्केट भी काफ़ी स्टेबल रहा है, इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ने की जो रफ्तार है वो कंटिन्यू रही है और उसकी वजह से हमने सोने चांदी को अंडर परफॉर्म होते हुए देखा है। बट आने वाले दिनों में हमें लगता है कि चांदी आउट परफॉर्म कर सकती है, बिकॉज उसके कुछ 2-4 कारण हमने देखे हैं। पहला है गोल्ड सिल्वर रेशियो। गोल्ड सिल्वर रेशियो अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल हाई पे 27 साल के हाई पे 85 के लेवल पे पहुंच चुका है, जो दर्शाता है कि सोने के मुकाबले चांदी इस वक्त काफी सस्ती मिल रही है। सेकेंडली, जिस ढंग से हमने देखा कि चाइना मेन ड्राइवर होता है बुलियन का, तो यहां पे हमने देखा चाइना से डिमांड धीरे धीरे गोल्ड की और चांदी की खास करके बढ़ती जा रही है, सोलर पैनल्स के कंजम्पशन को देखते हैं। साथ में हमने देखा कि चांदी बेस मेटल को भी ट्रैक करती है, जिस ढंग से पिछले 1 हफ्ता 15 दिन में हमने बेस मेटल में तेजी आते हुए देखी तो वहीं कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि चांदी में भी एक उसका रुख देखने मिल सकता है। तो इन ऑल हमें लगता है कि अगले हफ्ता 15 दिन की अगर बात करें तो चांदी 37,500 पे लेके चलना चाहिए, 36,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओवरऑल अगले एक 15 दिन का अगर आउटलुक लेके चले तो हमें लगता है 38,500 से लेकर 39,000 तक का लेवल चांदी में देखने मिल जाएगा।